आखिरकार पता चल गया कि किसने मारी गोलू राजा को गोली। जी हाँ, गोलू राजा को जब से गोली लगी है तब से सभी कलाकारों की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि गोलू राजा ना किसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं और ना ही किसी से बैर रखते हैं। वो तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं और सब दिल अजीज़ है। चाहे वो पवन हो, खेसारी हो, निरहुआ हो, काजल हो, अक्षरा हो, सभी गोलू राजा के प्रशंसक हैं। और जैसे ही सभी को पता चला कि गोलू राजा को गोली लगी है, वो भी स्टेज शो के दौरान, सभी की नींद उड़ गई। जी हाँ, सभी ये जानना चाहते हैं आखिर कौन है वो जिसने गोलू राजा को गोली मारी। हम आपको बता दें, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने साजिश के तहत गोलू राजा को गोली मारी। जी हाँ, गोलू राजा के स्टेज शो के दौरान जब उन्हें गोली लगी तब का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद का वीडियो वायरल नहीं हुआ। आपको बता दें कि उस वीडियो में उस शख्स को पकड़ा भी गया और बाद में पता चला कि उस शख्स ने तो हवाई फायरिंग की थी, वो जाकर गोलू राजा को लग गई। वैसे यूपी बिहार में आम होता है शादी ब्याह और ऐसे कई फंक्शनों में, जिस तरह के फंक्शन में गोलू राजा परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे कई फंक्शनों में लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं और कुछ उसमें नौसिखिए होते हैं जिन्हें हवाई फायरिंग आती नहीं है फिर भी करते हैं, और ऐसे ही नौसिखियों की वजह से हादसा हो जाता है और ऐसे ही किसी नौसिखिए की वजह से ही हादसे का शिकार हो गए गोलू राजा। जी हाँ, इस खबर की पुष्टि की गई है और ये बताया गया है कि किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि गोलू राजा को जो गोली लगी वो एक हवाई फायरिंग के दौरान लगी, एक शख्स ने हवाई फायरिंग की। जी हाँ, गोलू राजा को जो गोली लगी वो एक हवाई फायरिंग थी और मिस होकर वो गोलू राजा को लग गई और इस वजह से गोलू राजा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी चीज़ों में तो सरकार को बैन कर देना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार कई शादी ब्याह में ऐसे हादसे हो जाते हैं जहां लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।